Hindistan. Eh? Hindistan. Hindistan. Yeah. 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 Bharat. Bharat. Bharat Mata ki jai. ऐसे सब कपड़े पहनने पड़ेंगे, छोटी चड्डी छोटे कपड़े अलाउड नहीं है यहाँ पर। हम लोग कैसे आंखों में आंखें डालकर बात करते, बट वो लड़की मेरे से बात तो कर रही थी मगर आंख में आंख नहीं मिला रही थी। So welcome back to the channel guys, once again Travel Sampanna reporting live from Grozny, Chechnya। भाई आज है मेरा दूसरा दिन चेचनिया में और ये है मोहम्मद ब्रो। तो हम कल मुलाकात हुई मेरी इनसे फ्लाइट में और बस मैं उनको बोल रहा था कि भाई चेचनिया काफ़ी अंडररेटेड प्रोविंस है रशिया का, काफ़ी कम टूरिस्ट यहाँ पर आता है। और मैं बोला चलो यार यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कल्चर वगैरह दिखाना चाहता हूँ कुछ वीडियो। यस लेट्स गो, चलो। तो भाई तो इन्होंने बोला कि इनकी आज दोस्त की शादी है, शायद दोस्त है कुछ रिलेटिव्स वगैरह, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया। चलो भाई अंदर जाकर देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं भाई चेचनिया की वेडिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है। यू फ्रॉम फ्रॉम इंडिया? इंडिया। दादा टूरिस्ट, टूरिस्ट व्लॉगर। आई कम हियर टू शो वेडिंग, चेचनिया वेडिंग। स्कैम। आते वक्त यहाँ हम लोग हॉल में आ गए, ये मेंस का सेक्शन है, यहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे हैं। चेयर, यू वेयर विल यू सिट? ओके ओके। भाई पता नहीं कुछ पेस्ट्रीज वगैरह, इतना सारा खाना रखा है, शरबत दे रहे हैं, यहाँ पर दारू वगैरह अलाउड नहीं है। आपको तो पता है चेचनिया एक मुस्लिम प्रोविंस है, यहाँ पर शराब का सेवन लोग नहीं करते और मैं वैसे भी ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ, तो अपना ये थोड़ा शरबत, शायद कोकम शरबत है। थैंक यू मोहम्मद ब्रो। Cinematics, wedding photographers, good, DJI Ronin, DSLR, all set up, good, very nice, very good। सही भाई, तो इन लोगों ने कुछ सीन ले लिया, मैंने वही बोल दिया कि इंडिया से आया हूँ, भाई ने मुझे इन्वाइट किया था, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। और अभी ये लोग सब वापस हम लोग बैठे, भाई मोहम्मद भाई हर इनके सब दोस्त हैं, उनके साथ एक हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा खा रहे। भाई मैंने एक ही टाइम में पूरा खा लिया, जगह ही बची नहीं है, मैं बस इनको कंपनी दे रहा हूँ अच्छी सी। ये वो मेन एरिया था जहाँ पर शादी हो रही थी, यहाँ पर भी हम लोग जाकर आए, सबसे मिल वगैरह के आए, बट मोहम्मद भाई ने मुझे कहा कि इनकी जो जिनकी वेडिंग है उनके परिवार में कुछ दिनों पहले किसी की डेथ हो गई थी, तो डांस वगैरह का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। और ऊपर भी मैं गया तो मैंने फिल्म करना कन्वीनियंट नहीं सोचा, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता लोग वगैरह मिल रहे, इन्होंने एज अ गेस्ट इन्वाइट किया है और आप वीडियो वगैरह बना रहे हो, तो भाई कभी कभी कंटेंट ना मिले तो भी चलेगा भाई, बट इंडिया की हमेशा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो निकल गए वेडिंग से, इट वॉज गुड वेडिंग, नाइस खुरोशो। भाई पहला एक्सपीरियंस था, क्वाइट सी वेडिंग थी, वैसे तो हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, एक दो जो सेरेमनी होती है भाई जब दुल्हन वगैरह आती है वो तो हो गई हम पहुँचने से पहले, बट डांस वगैरह होता है भाई एंड में, तो वो डांस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी उनके रिलेटिव्स की, तो ये क्वाइट सी वेडिंग थी, इन लोगों ने ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह नहीं किया। तो कोई बात नहीं भाई, वो डांस वगैरह तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना है, आने वाले कुछ दिनों में मैं एक्सपीरियंस कर लूँगा, और 4-5 दिन रुक रहा हूँ भाई, मतलब चेचनिया दागिस्तान वगैरह में 4-5 दिन रुकूँगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो भी चीज़ें होंगी, मज़ा आने वाला भाई। यहाँ पर हिच हाइक वगैरह भी करूँगा, और आज मौसम थोड़ा ख़राब है यार, ये देखो बारिश वगैरह हो रही है। तो ये भाई ये दिस इज सिटी सेंटर। ओके भाई, तो ये सिटी सेंटर है चेचनिया का, बढ़िया लग रहा है यार, क्लीन है, काफ़ी साफ़ सुथरा है भाई। रशिया में तो मैंने देखा भाई हर सिटी क्लीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, साफ सुथरा है, लाइब्रेरी भी है, खुरोश गुड। मोहम्मद, इन चेचनिया बार्स क्लब्स नो? नो, नॉट अलाउड। अच्छा, तो भाई ये क्योंकि
मुस्लिम रीजन है, मुस्लिम रिपब्लिक है, तो यहाँ पर बार्स, क्लब्स, जो भी भाई शराब वगैरह की चीज़ें बैन, टोटली बैन। तो भाई यहाँ पर वो सब, वो नाइट लाइफ वगैरह नहीं मिलेगी आप लोगों को, जो बाकी के रशिया के पार्ट्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगी। हाँ, टर्किश आइसक्रीम, यस यस आई नो, ओए पश्चिमा ना, आई नो नो, बोल भाई, बोल रहे हैं आइसक्रीम ले लो, कौन सा है, मैंगो फ्लेवर, पेपनी का, स्ट्रॉबेरी का, मैंगो ना, व्यू टेक बीच में, ओके चल भाई ऑफर कर दे, आइसक्रीम तुर्की है, मरहबा नासिर सर, अल्हम्दुलिल्लाह, चन्ना सर, हिंदुस्तान, 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 भारत, भारत बोल रहा है, क्या बात है भाई, भारत, 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 इंडिया, भारत, 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 भारत माता की जय, भारत ने, जय जय, ओके, मेको, ओके, इधर आओ क्या, ओके, दावे, 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 इसलिए भाई ये कौन सा तो अभी बढ़िया स्ट्रीट है, यहाँ पर हम लोग आ गए, इन दोनों ने मुझे इन्वाइट किया, और भाई मैं आइसक्रीम नहीं चाहता था पहले, ठंड सर्दी हो गई भाई, इतनी ठंडी है, बट फिर भी मुझे एक आइसक्रीम दिला दिया भाई, चेचनिया की मेहमान नवाजी। बुलेवार दुदेवा स्ट्रीट है, स्ट्रीट का नाम है, और भाई जैसे अपना रशिया में मैंने आप लोगों को दिखाया आरबात स्ट्रीट है, कज़ान में आप लोगों ने देखा होगा कि बोमान स्ट्रीट है भाई, सबसे मेन स्ट्रीट जहाँ पर काफ़ी हलचल वगैरह होती है, नाच गाना होता है, और फैंसी रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह ये सब है। तो वैसे भाई ग्रोजनी में ये स्ट्रीट है, बढ़िया डेकोरेशन है भाई, छाते वगैरह लगाए ऊपर, तो मतलब बारिश वगैरह भी आ गई, बारिश के मौसम है, कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, तो अच्छा है भाई, थोड़े छाते हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाएगा, और फिर खाली खाली सा लग रहा है, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर, शायद रात के वक्त बढ़िया माहौल होता है। तो भाई ये पूरा ग्रोजनी का सिटी सेंटर एरिया है, और यहाँ पर एक साइन बनाया भाई कि 0 किलोमीटर्स, इसका मतलब है कि भाई जो पूरा चेचनिया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, सेंटर पॉइंट कहना चाहूँगा, सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, और सामने ही है भाई वो ब्यूटीफुल मस्जिद, और वहाँ पर है ऑब्जर्वेशन टावर, तो भाई लोग मुझे वहाँ पर ले जा रहे हैं। भाई ये मस्जिद का नाम है अहमद कादरो मॉस्क, भाई काफ़ी बढ़िया है ये, काफ़ी पुराना लग रहा है भाई, थोड़ी बहुत हिस्ट्री गूगल पर देख लेना आप लोग, अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो सर्च कर लेना मॉस्क इन चेचनिया, पूरी विकिपीडिया में आप लोग पढ़ सकते हो। और भाई बढ़िया डिज़ाइन है यार यहाँ पर, तो पहले पहले देखा हुआ लग रहा है भाई, ये ऐसे टाइप के मॉस्क मैंने टर्की में देखे थे, मोरक्को में भी काफ़ी विज़िट किए मैंने, थोड़ा अलग क्या बोलते हैं, अलग टाइप का डिज़ाइन था, हर कंट्री में थोड़ा अलग आर्किटेक्चर अपने आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भाई ये थोड़ा टर्की का याद आ रहा है मुझे। भाई ये एरिया में सब लोग पोज वगैरह देते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं कुछ लड़कियाँ वगैरह इंस्टाग्राम के लिए, बट अंदर से मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि लोग प्रेयर वगैरह कर रहे थे, और अच्छा नहीं लगता भाई मैं व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, आवाज़ से डिस्टर्ब कर रहा है। और भाई ये जो बाहर का जो नज़ारा है, थोड़े बहुत यहाँ वाटरफॉल वगैरह भी, और जो मस्जिद का जैसा डिज़ाइन है वो देख के मुझे ज़्यादा करके भाई टर्की की याद आ रही है, टर्की में भी काफ़ी सारे ऐसे मस्जिद थे, काफ़ी सारे जगहों पर मैंने विज़िट किया, बट टर्की से मुझे काफ़ी ये सिमिलर लगता है क्योंकि ये जो रीजन है
ग्रोजनी, चचनिया काफ़ी करीब है, टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब कंट्रीज़ के, तो थोड़ा बहुत यहाँ के आर्किटेक्चर में वो सिमिलैरिटी दिख जाती है। और भाई ये पीछे रहे ग्रुप टूर वाली, एक टूर लीडर होता है माइक से, और 30-40 लोग यहाँ पर भी एक दूसरा कुछ ग्रुप दिख रहा है, तो ऐसे 30-40 लोग आते हैं, ये लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, और काफ़ी भाई टूरिस्टिक चीज़ है। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने वो चीज़ें कब करी थी, मुझे नहीं लगता फ्यूचर में भी मैं ऐसी टाइप की ट्रैवलिंग कभी करना चाहूँगा। लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। भाई अभी कहाँ लेकर जा रहे हैं? आजू बाजू का भी एरिया बढ़िया है, काफ़ी साफ़ सुथरा रखा है लोगों ने, तो अच्छा लगता है। भाई मुझे पहले लगा था कि इन दोनों टावर में से होगा, बट ये वाला है, ये भी काफ़ी ऊँचा है और बढ़िया बिल्डिंग है भाई। ये आप लोगों को लग रहा है ग्रोजनी, चेचनिया, थोड़ा सा अनडेवलप्ड रीजन है रशिया का, बट ऐसा कुछ नहीं। मैंने जहाँ तक देखा है बढ़िया रोड्स है, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी दिख रहे हैं मुझे, गाड़ियाँ भी बढ़िया भगा रही है, देखो लोग मर्सिडीज, मस्टैंग वगैरह, पोर्स वगैरह गाड़ियाँ मैंने देखी। वहाँ पर एक बढ़िया सा मॉल भी है, ग्रोजनी मॉल। तो भाई मुझे तो थोड़ा बहुत अलग है, थोड़ा कंजर्वेटिव है देखा जाएगा तो, बट मुझे ये किसी दूसरे रशियन सिटी से कम नहीं लग रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। काफ़ी अच्छे से डेवलप की गई सिटी है ये। भाई ये सब रूल्स है, ऐसे सब कपड़े पहनने पड़ेंगे, छोटी चड्डी, छोटे कपड़े अलाउड नहीं है यहाँ पर। टिकट्स, ये है एंट्री एरिया टॉप की, यहाँ पर कुछ सुवेनियर वगैरह बिक रहे, और अच्छा और एक टिकट दे दिए। ये है भाई सबसे टॉप वाला फ्लोर। ब्यूटीफुल ग्रोजनी भाई, ये है यहाँ से पूरा व्यू दिखता है बढ़िया ग्रोजनी सिटी का। यहाँ पर भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी जाएंगे, बढ़िया है यहाँ से, बढ़िया सा गार्डन दिख रहा है। ऊपर जाकर देखते हैं, ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है। और ये आ गए भाई हम सबसे टॉप वाले फ्लोर पर। भाई शायद हेलीपैड की जगह है यार, पता नहीं, हेलीकॉप्टर वगैरह की लैंडिंग भी होती होगी। यहाँ से सबसे बढ़िया व्यू दिखता है ग्रोजनी सिटी का, क्या बढ़िया दृश्य, वो भी एक बढ़िया क्लॉक टावर। और ग्रुप टूर्स एज यूजुअल, रशियन टूरिस्ट आए हुए, फॉरेनर मैंने तो अब तक तो मैंने किसी को मिला नहीं, मैं फॉरेनर को यहाँ पर आया, जो भी दिख रहे रशियंस ही हैं, रशियन टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी आते हैं मैंने देखा है। ठंड भी काफ़ी लग रही है, कोल्ड कोल्ड भाई, मैंने तो कुछ जैकेट नहीं पहना, यही एक शर्ट पहन के आ गया मैं। तो भाई ये रहा हॉस्टल मेरा, मोहम्मद भाई ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है, इन्होंने इनवाइट किया भाई, फ्लाइट में मुलाकात हुई और आज इनविटेशन दिया, शादी में भी बुलाया, और आजू बाजू दो तीन बढ़िया जगहों पर घुमा भी दिया। ग्रोजनी बढ़िया सिटी है, थैंक यू मोहम्मद ब्रो, यू कम टू इंडिया, ओके, यू आर वेलकम, यू योर फैमिली कम टू इंडिया, ओके, मैसेज मी, फोन मी, आई लुक आफ्टर योर फैमिली, आई टेक केयर ऑफ यू, योर फैमिली, ओके, स्पेसिबा, थैंक यू। रात के अभी बज रहे हैं 10:30, क्या हुआ, मैं वो शादी से आया, फिर वो जो मोहम्मद भाई थे और उनके दोस्त थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सिटी के सेंटर में घुमाया, फिर आया हॉस्टल पर ड्रॉप किया, काफ़ी अच्छे लोग थे और काफ़ी मज़ा आया उनके साथ। और भाई एक सेकेंड, थोड़ा कीचड़ वगैरह है इधर, बारिश गिर रही थी उस वक्त, तो हॉस्टल में आया एकदम डल मौसम था, तो मैं सो गया, और अभी भाई सीधा 10 बजे उठाओ, और यहाँ पर भाई एकदम खाली लग रहा है यार। हॉस्टल के बाजू में कुछ दुकान वगैरह थे बट काफ़ी सारे बंद हो गए, तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ भाई कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, और यहाँ पर भी एक सुपरमार्केट मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ से कुछ छाछ या कुछ पानी वानी कुछ उठा लूँ पीने के लिए। सलाम, यू हैव
केफिर केफिर कैमरा व्लॉग व्लॉग नहीं नहीं वो वो हाँ दिस साइड केफिर यस यस केफिर दादा चल भाई ये तो खुला है यहाँ पर फिर कुछ कुकीज वगैरह दिख रही केफिर छास भाई छास किधर है ऐसा ही कुछ हाँ चलो ये भी चल जाएगा काक पजाबुत खैरुल्ला एंड यू ब्रो वो तो भाग गया भाई चलो से हेलो हेलो सलाम सलाम काक पजाबुत ब्रो काक जाबुत ये मुस्ता खैरुल्ला जाबुत खैरुल्ला खैरुल्ला और दूर खैरुल्ला योर फ्रेंड 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 यस कैन गेट कबाब शोरमा शोरमा दा शोरमा लाइक शोरमा आई 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 लाइक बट रेस्टोरेंट ओले हमें चाय बांसे हाँ डायरेक्शन दे दो ओके स्पसीबा स्पसीबा किधर है भाई लोकल से पूछे भाई यहाँ पर मुझे तो कुछ दिख रहा नहीं था मैंने पूरे दो सड़क घूमे बट कुछ एक भी शॉप खुला नहीं था यस खैरुल्ला खैरुल्ला ब्रदर खैरुल्ला खैरुल्ला मुझे सच्चा की राह पर ले चलो What is this? Kimchi. Oh, grapes. No, spasiba. Shorma. Shas pakaji. Yes. Chalo, bhai, kidhar hai? Abhi shuga. Raat ke 10:30 baje, bhai. Local ke saath shorma dhund raha hu. Kafi log bol rahe the, bhai. Chechnya safe nahi hai, but bhai, mujhe to kafi safe lag raha hai. Raat ke waqt ghum raha hu. Friendly local bhi hai, meri help kar rahe. UFC तो भाई इधर मैंने देखा है काफ़ी लोग UFC मार्शल आर्ट रेस्लिंग वगैरह करते हैं काफ़ी बच्चों को मैंने जिम से आते हुए देखा था कल मस्त अपना स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलते कुश्ती वगैरह करने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैशन है लड़कियाँ भी पीछे देख रही है बट मैं उनको वीडियो में नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कल्चर कंजर्वेटिव है कि कल मैं एक लड़की से बात कर रहा था बट उससे मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था मतलब हम लोग कैसे आँखों में आँखें डालकर बात करते बट वो लड़की मेरे से बात तो कर रही थी मगर आँख में आँख नहीं मिला रही थी और एक दो मीटर के डिस्टेंस पर ऐसी खड़ी थी तो मुझे थोड़ी ये बात स्ट्रेंज लगी फिर मैं हॉस्टल आया एक बंदे से पूछा भाई ये ऐसा क्या है तो बोले भाई कल्चर है यहाँ की जो लड़कियाँ है वो किसी गैर मर्द से आँख मिलाकर बात नहीं करती ओह सलाम ब्रदर्स सलाम हाउ आर यू योर फ्रेंड्स तो सही है भाई भाई लोगों की पहचान अच्छी है ओके गुड बाय माय फ्रेंड्स तो भाई लोगों की पहचान है भाई लोग लोकल है यहाँ के ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि आते जाते लोग इनसे हाथ मिला रहे मतलब पहचान के वगैरह तो रेस्लिंग सलाम ब्रदर फ्रॉम इंडिया I come to Grozny to make video. I am vlogger, YouTuber. You like Grozny? Yes, Grozny is very beautiful. I like. UFC, buy it. Oh, UFC. You do professional fighter. Professional fighter. Oh, good man. I see. In Grozny, many people they do UFC or boxing, wrestling. It's popular. It's very good fighters. Chechen and Dagestan also. Yes. Khabib. Islam, Caucasus, all famous. Good man. Hamza Chimaev. Hamza Chimaev. Bhai, jo UFC ke sab popular hai. Vlog? Yes, vlog. Chimaev, Muhammad. Yes. Reklam de le. Goodbye, guys. Goodbye. Chalo, shorma. Bhai, iska bhi live chal raha hai. YouTube live, Instagram live. Khairullah. Chalo, bhai, iska live chal raha hai. Iske live mein mera live to nahi hai. YouTube mein. एडिट करके अपलोड करना पड़ता है बट देखते हैं भाई अब ये लोग किधर ले जाते हैं शोरमा खाने के लिए मुझे शोरमा भाई बढ़िया भाई ट्रस्टवर्दी बंदे हैं इन लोगों पे भरोसा रख सकता हूँ मैं क्योंकि काफी सारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये इनके पहचान के तो मैं समझ गया कि भाई ये लोग लोकल है और
भरोसे लायक लोग लग रहे हैं मुझे. यू वॉन्ट ईट शर्मा? फॉर मी? नो आई बाय फॉर यू. आइसक्रीम? सो कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक? जूस? जूस ब्रदर? जूस फॉर यू? जूस? सॉफ्ट ड्रिंक कुछ है क्या? एनर्जी क्या है भाई इनके पास? लिप्टन? कोला? कोला? कोका कोला प्लीज फ्रॉम मी? फ्रॉम मी. तो भाई एक बड़ा शोरमा ले लिया है और इन दोनों को मैं बोल रहा था भाई कुछ कोका कोला शोरमा खा लो मेरी तरफ से. कुछ भी नहीं ले रहे ऊपर से भाई मेरे लिए पैसे भर रहे थे बच्चे यार 18-20 साल के बच्चे और मुझे पैसे भरने नहीं दे कमा रहे थे. तो ये देख भाई शोरमा तो ले लिया है मैंने. काफ़ी अच्छे लोग थे भाई मदद की. अब ये खाऊंगा, अब हॉस्टल में जाऊंगा खाऊंगा. और ये रहा भाई आज का मेरा दिन ग्रोजनी चेचनिया में. काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई ज़रा संभाल के रहना डेंजरस है, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है भाई. जहाँ तक कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव है, यहाँ के लोग मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लग रहे हैं रशिया में. और सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी भी यही की मुझे मिल रही है. होप सो गाइज आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा. रशिया सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज बाय बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ. ट्रैवल सम प्रणाम साइनिंग आउट.